नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विद सुंदर में। आज भी क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है ग्रुप डी का। सफ़ेद प्रकाश के रंगों में सात रंगों का घटक होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों ए न्यूटन थे, 1666 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का अंडाकार होने का कारण क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी के अंडाकार होने का कारण है घूर्णन के अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पत्थर का बना हुआ है? तो दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह संगमरमर का बना हुआ है दोस्तों, संगमरमर। और इसे बनवाया किसने है दोस्तों? तो ये बिमल पाल और तेजपाल बनवाए थे, जो चालुक्य वंश के राजा के मंत्री थे। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तीजन बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तीजन बाई ये लोक गायन से संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है एग्जाम में दोस्तों कि तीजन बाई किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 की FATF के फुल फॉर्म क्या है? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो फ्रांस में पड़ता है। FATF का पूछेगा दोस्तों कि इसका वर्क क्या है, काम क्या है? ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कार्य करती है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोस्तों काम करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु दर्शन महोत्सव मतलब कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख के क्षेत्र में मनाया जाता है, सिंधु दर्शन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर है इसका ब्रोमीन। ये ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह अगर एग्जाम में पूछे कि धातु ऐसा कौन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह है पारा। नेक्स्ट पारा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्प के अध्ययन के दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों पूछेगा कि कैंसर के अध्ययन के क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह ढेर सारे ऐसे अध्ययन हैं जिनका हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये राप्ती नदी के किनारे है दोस्तों। उसी तरह अगर किसी एग्जाम में पूछे सूरत किस नदी के किनारे है, तो वो ताप्ती नदी के किनारे है। पूछेगा जम्मू किस नदी के किनारे, तो तवी नदी के किनारे है दोस्तों। उसी तरह कोलकाता पूछेगा किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे है दोस्तों। रांची पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। सर ढेर सारा ऐसा है। पटना किस है, गंगा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। एक मिनट ना दोस्तों, टेंथ दसवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये बेतवा नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बास्केटबॉल का आविष्कार किसने और कब किया था? ये दोस्तों बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने किया था, जो 1891 में किया था दोस्तों। भारत में प्रथम खेल बास्केटबॉल का खेल 1930 में हुआ था, भारत में प्रथम खेल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारागढ़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का युद्ध दोस्तों ये 12 सितंबर 1897 में लड़ा गया था। उस समय था कौन दोस्तों? तो ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान के सेना के बीच हुआ था दोस्तों। इस पे अक्षय कुमार का एक मूवी भी आया था दोस्तों, केसरी नाम से आया था, बहुत ही अच्छा मूवी था दोस्तों, एक बार देखिएगा। कैसे मतलब वीर जवान मतलब भारतीय जो थे ब्रिटिश सेना, वो कैसे उन लोगों से लड़े थे, अब एक दिन में ही उन लोग के मतलब रोक दिए थे, वहाँ पे आगे नहीं बढ़ने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, SSC CPO में पूछा गया 2019 में, इल्बर्ट बिल किस वायसराय ने लेकर आया था? इल्बर्ट बिल दोस्तों लॉर्ड रिपल ने लेकर आया था। इसमें आप लोग सोचेगा कि इल्बर्ट बिल में है क्या दोस्तों, तो इसमें क्या था कि भारतीय न्यायाधीश जो थे वो यूरोपीय जो लोग थे उन लोग पे मतलब फैसला अपना सुना सकते थे, ये इसमें लाया गया था दोस्तों इल्बर्ट बिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोपला विद्रोह दोस्तों मतलब कहाँ हुआ था?
मुपला विद्रोह, तो ये दोस्तों मुपला विद्रोह हुआ था केरल में हुआ था, और कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1920 से 22 तक में हुआ था मुपला विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है ये मुपला विद्रोह, ये भी दोस्तों पूछा हुआ है एल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के क्रांति का नेतृत्व तो फैजाबाद में किसने किया था, तो दोस्तों मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। नेक्स्ट उसी तरह दोस्तों पटना से पूछेगा कि किसने किया था, तो पटना से पीर अली किए थे, उसी तरह कानपुर से तात्या टोपे किए थे, नाना साहब किए थे, उसी तरह लखनऊ से पूछेगा तो बेगम हजरत महल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह ढेर सारे हैं दोस्तों, मतलब बहुत सारे, दिल्ली से बहादुर सर जफर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MTS 2019 में राष्ट्र गोपतार पत्रिका कौन लेकर आया थे, तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी लेके आए थे, और ढेर सारे एग्जाम में ये दोहराया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो दोस्तों ये साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था दोस्तों, इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहा जाता है, इसमें जितने भी मतलब सदस्य थे वो सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद किस न्यायाधीश पर महाभियोग पहली बार लाया गया था, यानी 1947 के बाद, तो 1947 के बाद ये दोस्तों जस्टिस रामास्वामी पर लेकर आया गया था, लाया गया था। दोस्तों ये मेरा छोटा सा पैरा था, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दोस्तों कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।